सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। एजेंट इज लॉक ड्यू टू कॉन्करेंट रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट, प्लीज ट्राई आफ्टर द लॉकिंग पीरियड। सो गाइस, अगर आपको इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आप सही जगह पे आए हैं। तो ये वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का, जो इस तरह का एरर मैसेज आपके स्पाइस मनी में आ रहा है, तो उस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो हेलो गाइस, मैं हूं सुमित बर्मन। सो आज की वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप स्पाइस मनी ओपन करते हैं और गलती से आपने पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया, तो यहाँ पर दो तीन बार डालने पर आपका पासवर्ड, आपका आईडी लॉक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए भी हो सकता है या फिर 24 घंटे के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड था वो मैं भूल चुका था, रिसेंटली चेंज किया था, तो इसलिए मुझे वो याद नहीं था, इसलिए मैंने दो तीन बार रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर 30 मिनट आया, फिर बाद में एक दो बार फिर डाला तो 24 आवर्स के लिए मेरा जो आईडी है ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसी के रिलेटेड मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जी। सबसे पहले सर आप कीजिएगा, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे सबसे पहले आप, ओके। गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद आप तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप सर सिलेक्ट कर लेंगे आप, ओके। डेस्कटॉप सर सिलेक्ट करने के बाद में आप स्पाइस मनी का पोर्टल सर्च करेंगे, ओके। उस पर सर्च करने के बाद में, स्पाइस मनी का पोर्टल सर्च करने के बाद में सर लॉग इन टू कंटेंट का आपको ऑप्शन आएगा, राइट। जी अपनी एजेंट आईडी डालेंगे, आपकी एजेंट आईडी है SD जी, इस फॉर्म में आप डाल देंगे। उसके बाद में जो हमारे एंड से आपको OTP सेंड किया जाएगा, पासवर्ड में आप डालेंगे, ओके। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जी जी जी, पासवर्ड में डालेंगे उसको, जो OTP हमारे एंड से सेंड किया जाएगा, आपको लॉगिन कर लेंगे जी। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आप, लॉगिन करने के बाद आपको सर पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आएगा, ओके जी। उसके बाद में सर आप 8 से 15 अंक का एक पासवर्ड बनाएंगे, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए उसमें, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल नंबर होना, यानी कि 1, 2, 3, 4 कुछ भी डाल सकते हैं आप, अपने नाम से बस बनाएगा आप, ओके। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ओके। यहाँ से हम अपने एंड से आपको एक OTP सेंड करवा देते हैं सुमित जी। जी OTP सेंड हो जाएगा ना अभी? हाँ OTP सेंड हो जाएगा, उसकी वजह से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा आप, ओके। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो आपका जो आईडी है वो लॉक कर दिया जाता है, लेकिन वो उसको आप खोल सकते हैं, और उसको खोलने के लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरगेट का पासवर्ड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करने पर अधिकारी आईडी मांगता है, तो अधिकारी आईडी डालने पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो प्रोसीड पे करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एजेंट इज़ लॉक ड्यू टू कॉन्करेंट रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई आफ्टर द लॉकिंग पीरियड। तो यहाँ पर 24 आवर्स का बाद ही मुझे ये खोलने का परमिशन देगा, बाकी इसके पहले ये मुझे पासवर्ड चेंज करने का भी चांस नहीं देता है, तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज भी नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर जैसे कॉन्टेक्ट आस पे लिखा है, इस पर क्लिक करके मैंने कॉन्टेक्ट जो ये केयर हेल्पलाइन नंबर है इसमें कॉल कर मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने जैसे कि अभी आपने सुना कि उन्होंने ये सोल्यूशन दिया है, तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, उसके बाद डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना होगा, उसके बाद जो भी स्पाइस मनी का पोर्टल है स्पाइस मनी सर्च करना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर लॉग इन टू कंटिन्यू या फिर सबसे टॉप वाला उस पर क्लिक करने से भी हो जाता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो अपना जो एजेंट आईडी है उसको डाल देना होगा, तो एजेंट आईडी डालना होगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना एजेंट आईडी, और इसको स्मॉल में डालना होगा लेटर्स को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना एजेंट आईडी, उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड जो उन्होंने OTP में भेजा है, मैसेज में भेजा है, उसको डालना होगा, उसके बाद चेंज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज नीचे आ गया है, तो ये मैसेज हमें मिल जाता है OTP पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ये OTP को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो पासवर्ड डाल दिया है, अभी लॉगिन कर देता हूँ मैं, तो लॉगिन लोकेशन ऑन करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर लोकेशन का परमिशन। तो लोकेशन परमिशन देने के लिए आपको क्या बोला, ये जो लॉक का ऑप्शन है मतलब ताला का जो लोगो है उस पर क्लिक करना है, उसके परमिशन पर क्लिक करने के बाद लोकेशन ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है इस वेबसाइट को। तो आपको ये जो प्लीज़ इनेबल योर लोकेशन जो रेड कलर में दिख रहा है वो नहीं आएगा, तो उसको इनेबल करने के बाद आपको ऊपर भी देखना होगा कि आपका लोकेशन जो है वो ऑन है कि नहीं है, तो मेरा लोकेशन ऑन है उसको भी ऑन करके रखना होगा। उसके बाद आप जो डाला था आपने OTP उसके साथ और एजेंट आईडी के साथ आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ चुका है, तो थोड़ा नेट स्लो इसी कारण से थोड़ा लेट हो रहा है।
तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अपना न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आज खुल चुका है। तो यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड अपना जो भी चाहे मैं वो डाल दूँगा, और ये 8 से 15 डिजिट का होना चाहिए, और यहाँ पर सिंबल नंबर ये सब आप यूज़ होना चाहिए, और अपने नाम से कोई भी पासवर्ड ना बनाए ताकि आपका जो आपका पासवर्ड सही से एक बार में सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन। तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो चुका है यहाँ से। तो अभी मुझे ऐप में जाकर जो अभी मैंने पासवर्ड बनाया है उसी को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मैं आ चुका हूँ अपने स्पाइसमनी के पोर्टल पर, ऐप पर। तो अभी लॉगिन करते हैं, होता है कि नहीं होता है देखते हैं। तो ये मेरा खुल चुका है, अपने आप OTP वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट जो है, जो ID है, वो मेरा खुल चुका है, ये अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना जो भी आप अगर भूल चुके हैं अपने पासवर्ड को और बार बार आपने अटेम्प्ट किया है, बार बार ट्राई कर ID को है जो लॉक करके लॉक करवा दिया है, तो आप इस तरह से अपना ID को अनलॉक कर सकते हैं, अपना एजेंट ID को अनलॉक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर दीजिएगा। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।